हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज नया चैप्टर है इंजन कूलिंग सिस्टम। इंजन कूलिंग सिस्टम क्यों चाहिए, फंक्शन क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, वर्किंग क्या है, प्रॉब्लम क्या है। इंजन में अप्रॉक्सीमेट 22,000 डिग्री सेल्सियस हीट जनरेट होता है जो फायर होने का टाइम पे। वो टेम्परेचर ऐसे रहेगा तो इंजन सीज हो सकते हैं। उसको तुरंत रिलीज़ करने का वो कैसे करेगा, पानी, कूलेंट ये यूज़ करके उसको ठंडा करेगा। पूरा ठंडा नहीं करने का, 30-40% ठंडा करने का। वो ठंडा करने का सिस्टम को कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। ये जो लिक्विड है, वाटर, सिलेंडर हेड, वाटर पंप से सिलेंडर हेड जाएगा। इसके बाद जो छोटा छोटा फिन्स है, फिन से पूरा सिलेंडर का साइड में जाके उसको कूलिंग करेगा। वो कूलेंट है, कूलेंट में एडिटिव मिक्स होता है जो टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये जो है उसको ज़्यादा करने के लिए एडिटिव यूज़ करता है। जो ठंडा पानी आएगा वो वापस सर्कुलेट होके रेडिएटर जाएगा, फिर रेडिएटर से वापस आएगा, वापस ऐसे सर्कुलेशन होते रहते हैं। मैं पहले बोला है 30-35% हीट को निकालने का। ज़्यादा हीट निकलेगा तो वॉर कूल हो जाएगा इंजन, एफिशिएंसी कम रहते हैं। स्लो रेट में उसको कूलिंग करने का, तुरंत भी कूलिंग नहीं करने का। जो कूलेंट का प्रॉपर्टी है ये फ्री में घूमने का, जो रस्ट ज़्यादा नहीं फॉर्म करने का, वेपर नहीं होने का जल्दी, इसलिए एडिटिव ज़रूरत है वेपर नहीं करने का। इसके बाद पानी में जंग नहीं पकड़ने का। कूलिंग सिस्टम का दो टाइप है, एक डायरेक्ट कूलिंग, एक एयर कूलिंग। इनडायरेक्ट कूलिंग में वाटर कूलिंग आता है। कूलेंट और एंटी फ्रीज, पानी और एंटीफ्रीज यूज़ करके इसको इथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट को ज़्यादा करने के लिए यूज़ करता है। इसमें रेडिएटर है, रेडिएटर कूलिंग करने के लिए यूज़ करता है, जो हवा लेके कूलिंग करेगा। उसको हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं। वाटर पंप रहेगा जो वाटर पंप करेगा, जो पानी को पंप करके फोर्स में, प्रेशर में देगा हेड को। उसमें ड्राइवर है, बेल्ट ड्राइवर रहेगा, गियर ड्राइवर रहेगा। बड़ा बड़ा इंजन में गियर ड्राइवर रहेगा, छोटा इंजन में बेल्ट ड्राइवर रहेगा। जो वाटर पंप सर्कुलेट करेगा कूलेंट, होस रहेगा अपर और रेडिएटर होस। वो थर्मास्टाट है, वो थर्मास्टाट स्टार्टिंग में इमीडिएट कूलिंग नहीं करेगा। वो जो टेम्परेचर है 80 डिग्री आने तक वेट करके बाद में खोलेगा थर्मास्टाट। फ़ैन रहेगा, फ़ैन रेडिएटर को कूल करने के लिए रहेगा। वो वाटर पंप में माउंटिंग रहता है। किसी किसी इंजन पे ईसीएम कंट्रोल रहेगा, जो गर्म हो गया ईसीएम सेंस करके उसको सप्लाई देगा, जो फ़ैन ऑपरेट होता है। नहीं है तो फ़ैन ऑपरेट नहीं होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन होता है रहता है इंजन पे। कूलिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है जो वाटर पंप फेल होता है, थर्मोस्टेट फेल होता है, ओवर हीट होता है, ओवर कूलिंग होता है, लीकेज, रेडिएटर चोक होता है, वाटर पंप सील डैमेज, कूलेंट ज़्यादा दिन रहेगा तो रस्ट पकड़ता है। वो जो थर्मास्टाट है वो भी एक कंपोनेंट है, ये रेगुलेट करता है।
जो कूलेंट रिजर्वर रहेगा, जो जो पानी बॉयल होता है वो वेस्ट नहीं होता, कूलेंट रिजर्व में स्टोर होता है। जो रेडिएटर का प्रेशर कैप है वो कम हो गया तो सक करेगा, अगर ज़्यादा रहेगा तो बाहर फेंकेगा। ये रेडिएटर का प्रेशर कैप काम करता है। इसे ये कैसे काम करेगा, कूलेंट सर्कुलेशन होते रहते हैं, हीट तो निकालता है, जो रेडिएटर में हीट डिसिपेट करेगा, इसके बाद फिर वापस सर्कुलेशन होते रहते हैं। इसमें ज़्यादा है सिस्टम पे वाटर पंप, रेडिएटर वॉस, अपर लोअर वॉस, फैन, थर्मोस्टाट वाल, कूलिंग जैकेट्स। जो अल्टरनेटर ड्राइव से बेल्ट रहेगा, नहीं तो किसी किसी इंजन में डायरेक्ट वाटर पंप का बेल्ट रहेगा। ये छोटा वीडियो था इंजन कूलिंग सिस्टम। इंजन कूलिंग सिस्टम क्यों चाहिए, फंक्शन क्या है, कंपोनेंट क्या क्या रहता है, कूलेंट का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या रहने का, इसके बाद कूलेंट सिस्टम का क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ये छोटा बेसिक नॉलेज था। थैंक यू।